मूवी कैसी लगी सर आपको? किसका काम किसका अच्छा लगा? भेड़िया का भेड़िया का वरुण धवन है, कृति सेन है, अभिषेक बनर्जी है। कॉमेडी मूवी है, बोरिंग तो नहीं करी? कॉमेडी सबसे बढ़िया डायलॉग सेव की जरा चूतर चबा गया। सबसे बढ़िया सीन सर राजकुमार राव का। रेटिंग रेटिंग क्या देना चाहते हो आप? 5 to 5 और लोगों को देखनी चाहिए। अरे बढ़िया, देखो देखो सही देखो। सबसे सबसे खास बात क्या है मूवी की? कॉमेडी है, फुल मजा आएगा, फुल मजा आएगा। बहुत अच्छी मूवी है, काफी इंटरेस्टिंग है और एंड तक वेट करना। कैसे लगी मैडम? एंटरटेनिंग थी, काफी अच्छी थी। और इस बार रेटिंग देना चाहते हो? रेटिंग अब क्या बता सकते हैं, 10 में से 9 तो मिल ही सकते हैं इजी। सबसे काम अच्छा किसका लगा? कृति सेन है, अभिषेक बनर्जी है, वरुण धवन का था। उन्होंने थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाई उस मूवी को, थोड़ा सा एंड में आके। तो क्या पब्लिक को देखनी चाहिए? देखनी चाहिए मूवी, फुल मजा आएगा आपको, फुल मजा आएगा। पैसे वसूल है, पैसे वसूल है। खास बात उनमें चड्डी है, चड्डी है, चड्डी है बेड़ी की। बेटर वीएफएक्स है, नाइट पुलिस से खतरनाक मजा आएगा, कॉमेडी है, मजा आएगा। तो क्या क्या लगता है आपको कितना करोड़ कमा पाएगी ये? अरे अरब है, अरब करोड़ नहीं, अरब पे गई है, बॉक्स ऑफिस पे गई है, डायरेक्टर वरुण धवन है, कृति सेन है, अभिषेक बनर्जी, किसका काम अच्छा लगा? काम एक्टिंग अच्छी की है लेकिन इतनी जबरदस्त मूवी नहीं है। स्टोरी मतलब बोरिंग लग रही है आपको? बोरिंग है बिल्कुल। आपको कैसी लगी सर मूवी? बोरिंग है फिल्म, उतना अच्छा नहीं है। आइए सर, भेड़िया मूवी देख कर आए हो तो कैसा लगा आपको? अरे सर बहुत क्रेजी मूवी है और खासकर वरुण धवन की जो परफॉर्मेंस है ना, ये बाकी उन्होंने जो कर रखा है। लेकिन जब वरुण धवन है, अभिषेक बनर्जी, किसका काम अच्छा लगा? अभिषेक बनर्जी भी बहुत तगड़े हैं लेकिन उनका ऑब्वियसली ना, उनका क्या कहते हैं, टाइम कम था उनके पास करने के लिए स्क्रीन टाइम। ये मूवी जैसे कि आपको पता हो प्रकृति के बारे में सिखाती है, तो क्या सीखने को मतलब भेड़िया देख के आपको? दोनों पर्सपेक्टिव से दिखाती है कि जो लोग बुरा चाहते हैं ना कि प्रकृति के साथ, उसका भी दिखाती है और जो अच्छा चाहता है उनका भी दिखाती है। तो बहुत अच्छे तरीके से उसको दिखाया हुआ है। तो क्या लोगों को देखना चाहिए भेड़िया? देखना चाहिए डेफिनेटली। सबसे मतलब इसमें क्या अच्छा लगा आपको कि लोगों को देखना चाहिए? सबसे अच्छा तो सर प्रकृति का एक्सपेक्ट दिखाया उन्होंने ना। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। सर आपको भेड़िया कैसे लगी? भेड़िया के बारे में ऐसे ही बोलेंगे कि अगर स्त्री से कंपैरिजन करके कोई सेम डायरेक्टर है तो सिमिलरिटीज तो है। और सबसे बढ़िया बात, स्पॉइलर दूँ, स्पॉइलर में ये कह सकते हैं कि देखो इन्होंने कहा था कि हम वो बना रहे हैं, यूनिवर्स बना रहे हैं, तो यूनिवर्स के रूप में इन्होंने एंड में दिए, इन्होंने एंड में जो स्त्री वाले कैरेक्टर थे, जो दो जने थे ना, वो अभिषेक बनर्जी, अभिषेक बनर्जी नहीं, राजकुमार राव और दूसरा वाला थे ना जो, वो तो कॉमेडी करते हैं, हाँ दोनों, मतलब जो मेन 3 जने थे उसमें, अभिषेक बनर्जी इसमें है। तो अभिषेक सबसे काम अच्छा किसका लगा? वरुण धवन है, अभिषेक बनर्जी है, कृति सेन है और डॉक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं कृति सेन। कॉमेडी मूवी है, सब लोगों ने बढ़िया काम करा है और सबसे बढ़िया बात जिस बजट में और ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें दिया है ना उन्होंने। तो ये मूवी मैंने सुना कि प्रकृति के बारे में सिखा रही है, बता रही है, तो क्या मैसेज जाएगा आज के यूथ को? ये जाएगा कि जो आजकल ये जो आप नेचर के थ्रू आप ये चीज़ें ध्यान नहीं रखते ना, कि आप लोग है ना पोल्यूट करते हो, प्लांटेशन नहीं करते, और जो आप रोड बनाने के लिए है ना आप लोग ये काट देते हो पेड़ वे। अरुणाचल के प्रदेश के जंगलों को दिखाया गया है। ये है कि आज तक ऐसी कोई मूवी जैसे अभी अनेक आई थी, आपने अनेक देखी हो, अनेक ने ना नॉर्थ को थोड़ा एक्सप्लोर करा था, नॉर्थ को थोड़ा एक्सप्लोर करा था लेकिन वो लोगों को अच्छी नहीं लगी थी। अगर अभी इस वे में अगर ये मूवी देखे ना तो नॉर्थ रीजन को एक्सप्लोर भी करती है, वहाँ की कमियाँ भी बताती है और सॉल्यूशन भी बताती है, इसकी सबसे बढ़िया चीज़ है। तो आउट ऑफ 10 रेटिंग क्या देना चाहते हो मूवी को? अगर मैं सिर्फ कॉमेडी पर्पज से बात करूं तो थोड़ा सा मेरे को कम लगा स्त्री के कंपैरिजन में, लेकिन अगर मैं बात करूं कि इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन इतना अच्छा, क्योंकि इंडिया में इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन भेड़िया का दिखता नहीं है। अभी नाइट वेयरवुल्फ बाय नाइट आई थी मार्वल की, उसमें भी उन्होंने ना इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखाया है। तो भेड़िया का रोल प्ले किया वरुण धवन ने, भास्कर, तो भास्कर का रोल किसी और को मिलता तो कौन अच्छा कर पाता जितने भी बॉलीवुड एक्टर उनमें से? मेरे को ऐसा लगता है अल्टीमेटली एक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता, ये करता डायरेक्टर क्या विजन रखता है, क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है। तो डायरेक्टर इस फिल्म के है ना, डायरेक्टर चाहे कैसा ही हो, जब डायरेक्टर अच्छा होता है तो हीरो चमकता है, चाहे कैसा ही हो। बाहुबली आप देख रहे हो, प्रभास ने देखी, प्रभास चमका, लेकिन उसके बाद में कोई भी ऐसी पिक्चर आई जिस वजह से वो ग्लोरीफाई हुआ हो? नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। तो यही रीज़न होता है कि डायरेक्टोरियल पिक्चर होती है, डायरेक्टर जब अच्छा विजन रखता है ना तो ये पिक्चर वैसी ही, डायरेक्टर बहुत बढ़िया है। तो क्या भेड़िया में वरुण धवन ने अच्छा काम किया है? वरुण धवन तो जैसा आप एक्टर से निकलवाएगा ना डायरेक्टर, वैसा वो निकाल देगा। वो कोशिश करते हैं एक्टर बनने की सब लोग,
जब डायरेक्टर अच्छा होता है ना तो ग्लोरीफाई चीजें होती है, तो डायरेक्टर मस्त है। सही बात। हाँ, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि ये अभी ऐसा काम कर रहे हैं कि ना ये जो ये अपने यहाँ रीजन बेस्ड स्टोरीज होती है ना, जैसे कि इन्होंने उसमें भी दिखाई थी स्त्री में भी एक रीजन की स्टोरी पकड़ी थी कि यहाँ पर ये लोग ये रिप्रेजेंट करते हैं भूत को, इन्होंने नॉर्थ में जाके एक वहाँ के रीजन को पकड़ा, वहाँ की स्टोरी बनाई। तो ऐसे रीजन बेस्ड स्टोरी बताते हैं तो उनको रीजन के बारे में पता लगता है, जो अपन दादियों से स्टोरी सुनते थे हमको अच्छा लगता है पिक्चर की। तो क्या लोगों को देखना चाहिए? देखना तो चाहिए यार, अगर आपको कॉमेडी फुल पैसा वसूल है, थोड़ी बहुत कमी है लेकिन इतना सब चलता है कि आपको इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है भेड़िए का। ट्रांसफॉर्मेशन ही आपको पता है सबसे ज़्यादा पैसे और देखने में मजे ही उसको आते हैं जो भेड़िए में बदलता है इंसान। अगर मूवी ये बेच रही है इस नाम पे तो बढ़िया बेच रही है। धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। कहीं पे आ गए? विजय पाटनी रिव्यू यूट्यूब। हाँ, विजय पाटनी। विजय पाटनी हो गया सर? हो गया सर, कंप्लीट हो गया।